अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ मिस फ़ायज़ा नवाज़। आज हमारे पास नाइन्थ क्लास का ग्रामर का टॉपिक है पेपर बी के हवाले से। और सबसे पहले हमारे पास टॉपिक है आज का टेंसेस। लेकिन टेंसेस को करने से पहले आप लोगों को कुछ ज़रूरी बातें मैं बताती चलूँ कि टेंसेस को हम लोग करेंगे नाइन्थ क्लास के ट्रांसलेशन के हवाले से एंड करेक्ट यूज़ ऑफ द वर्ब के हवाले से। आपको टेंसेस के दो तरह के सवाल आएंगे पेपर में, एक जिसमें ट्रांसलेशन आपको करनी होगी, डिफरेंट टाइप्स के उर्दू में सेंटेंसेस आएंगे जिनको आपने इंग्लिश में ट्रांसलेट करना होगा, और दूसरा ऑब्जेक्टिव में करेक्ट यूज़ ऑफ द वर्ब आएगा। आपको सही वर्ब चूज़ करना है और उसको पॉइंट आउट करना है। तो हम टेंसेस को करेंगे दोनों ही तरीकों से, दोनों ही हवालों से। तो यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ बताती चलूँ, जो कि हमें ट्रांसलेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी टेंसेस को करना है, तो इसके लिए हमें उर्दू में पहचान इनकी लाजमी करनी होगी, क्योंकि पेपर में मुख्तलिफ तरह के मिक्सअप सेंटेंसेस आएंगे और आपने उनको उर्दू में आइडेंटिफाई करना है और फिर आपने उनकी ट्रांसलेशन करनी है। तो हम टेंसेस को हर हवाले से जो है ना वो हम लोग जांचेंगे। अब इसमें चाहे उर्दू मीडियम के स्टूडेंट्स हैं या इंग्लिश मीडियम के, ये दोनों के लिए ही हेल्पफुल होंगे। So tenses mean what? Tenses mean हमारे ज़माने, and ज़माने mean time, वक्त। हमारे पास कितनी तरह के वक्त होते हैं? हमारे पास तीन तरह के टाइम पीरियड्स होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। अब ये जो प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर है, इनकी नेक्स्ट फोर टाइप्स हैं जो कि मिलकर बनते हैं आपके 12 टेंसेस। इसमें अगर मैं प्रेजेंट की बात करूं तो हमारे पास जो सबसे पहला टेंस आता है वो आता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। नंबर टू पे हमारे पास आता है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस नंबर थर्ड पर आता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और नंबर फोर पर आता है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। ये प्रेजेंट टेंस की फोर टाइप्स हैं हमारे पास। अब इसमें से हम अगर सिर्फ प्रेजेंट का वर्ड हटा दें और प्रेजेंट की जगह पे हम लोग लिख दें पास्ट, तो ये पास्ट की टाइप्स बन जाती हैं। पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस एंड पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। और अगर हम पास्ट की जगह पर फ्यूचर का वर्ड लगा दें, नाम सबके वही रहेंगे, सिर्फ आपका टाइम बदलेगा। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस एंड फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। सो अब इन टेंसेस को स्टार्ट करने से पहले हमें कुछ बुनियादी चीज़ों का पता होना चाहिए कि जब भी हम उर्दू से इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं तो हमें कुछ चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, जिसमें सबसे पहले हमारे पास आता है कि सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या चीज़ होती है? इसको उर्दू में कहते हैं फाइल, लेकिन बुनियादी तौर पर हम सब्जेक्ट कहते हैं काम करने वाले को। दूसरे नंबर पर हमारे पास आता है वर्ब, इसको उर्दू में कहते हैं फेल और इसका मतलब होता है काम, एक्शन। वो काम हम सुबह से लेकर शाम तक कितने काम करते हैं, हमारा उठना बैठना रोना धोना सोना जागना, ये सारे के सारे हमारे वर्ब्स में आते हैं, एक्शंस में आते हैं। और नंबर थर्ड आता है हमारा ऑब्जेक्ट फाइल, जिस पर काम किया जाए, जिस पर हमारा काम बुनियाद करता हो, जो काम हम करते हों वो हमारा वर्ब कहलाता है, लेकिन वो काम हम किसके ऊपर करते हैं वो हमारा ऑब्जेक्ट कहलाता है।
तो हम उर्दू से इंग्लिश में जब भी ट्रांसलेशन करेंगे हम सबसे पहले सब्जेक्ट को ट्रांसलेट करेंगे, फिर हम वर्ब को ट्रांसलेट करेंगे, फिर हम ऑब्जेक्ट को ट्रांसलेट करेंगे. ये रोल हमेशा यही रहेगा. हम ऐसा नहीं कर सकते एक्टिव वॉइस में टेंसेस में कि हम ऑब्जेक्ट को ट्रांसलेट पहले कर दें या वर्ब को पहले कर दें. ये एज इट इज़ रूल है कि हम सबसे पहले सब्जेक्ट को ट्रांसलेट करेंगे, देन वर्ब को एंड देन ऑब्जेक्ट को. अब हम देखते हैं हमारे टेंसेस में जो सबसे पहला टेंस है जो प्रेजेंट इंडेफिनिट है.